भी स्टार्ट करता हूँ जहाँ मैं आप लोगों के संज्ञान में हर एक छोटी बड़ी बातें बताता रहूँगा। यहाँ जैसे ही स्टूडेंट आते हैं सर्वप्रथम वो लोग क्या करते हैं, गेट पे अपना एंट्री करवा लेते हैं और गेट पे एंट्री करवाने के बाद में जो बेसिक रूट उनको हम लोग के एडमिशन सेल तक लेके जाता है मैं वहाँ चल रहा हूँ। अभी जो आप ये दृश्य देख पा रहे हैं ये BIT का रिसेप्शन एरिया है। हॉल ऑफ फेम में अपना नाम शुमार करने के लिए बच्चों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। अब हम सभी चल रहे हैं BIT के एडमिशन सेल की तरफ। ये वो जगह है जहां स्टूडेंट व परिजन BIT के साथ एक नाता जोड़ते हैं। फिलहाल अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये है एडमिशन सेल BIT का। यहीं पे लगभग एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। यहाँ हमारे दुर्गेश सर मौजूद होते हैं और साथ ही अन्य स्टाफ भी मौजूद हैं जो आपको एडमिशन से रिलेटेड सभी क्वेरीज आपके क्लियर कर देते हैं। इसके बियॉन्ड में आप लोगों को अभी थोड़े क्षण में अपने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर से भी मिलवाऊंगा और आप लोग के द्वारा जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूट्यूब पे उनके आंसर भी देने की कोशिश करूँगा मैं। सर्वप्रथम धन्यवाद सर कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए समय दिया, चूँकि इतना बिजी चल रहा था आपकी, मैं दो दिन से आपके ऑफिस में आ रहा था बट इंटरव्यू नहीं ले पा रहा था आपका। सर जैसे मेरे पास में कुछ सवाल हैं जो कि हमसे यूट्यूब पे अक्सर करके बच्चे पूछा करते हैं, वो जो क्वेरीज होते हैं उनके मन में कि जानना चाहते हैं बुद्धा के बारे में, तो सर कुछ सवाल हैं मेरे। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सर करेंटली कितने कोर्सेज हैं और उनकी कुल सीट कितनी है, कृपया ये हमारे दर्शकों को सर बताएं। 2009 में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई और बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की उस वक्त स्थापना हुई तो 240 से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। अब 2023 आते आते हमारी वो संख्या लगभग बढ़कर 5000 के आसपास छात्रों की संख्या हो गई है और इस संस्थान में सब मिला के 14 कोर्स संचालित हो रहे हैं। पहला MTech, BTech, डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, BBA, BCA, BCom, BSc, पैरामेडिकल, ITI, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। इस वर्ष जो कोर्स हमारे संस्थान में ऐड ऑन हो रहे हैं उनमें MBA और लॉ कॉलेज की स्थापना हो रही है। लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है और इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का भी कोर्स इस वर्ष संचालित होने जा रहा है। सर उसके अतिरिक्त हमसे बच्चे ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे फी कितने इंस्टॉलमेंट में हम लोग भर सकते हैं। ये गोरखपुर की नहीं बल्कि कह सकता हूँ पूरे पूर्वांचल में थोड़ा सा हम लोगों को इस चीज़ को महसूस करना चाहिए और ये हम लोग महसूस खुद भी करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ों पर बड़ा गहन चिंतन अध्ययन करने के बाद में बड़ा निर्णय लिया कि वन टाइम में फीस जमा करना यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच होने की स्थिति हो सकती है या फिर उनको आर्थिक दबाव बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि एक साल में 4 किस्तों में 3-3 माह के अनुसार वो बच्चा अपने पूरे फीस का भुगतान कर सकता है। इंस्टॉलमेंट में भुगतान करेगा जिसके कारण से उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल दबाव नहीं बनेगा और आसानी से वो बच्चे की फीस का भुगतान कर सकता है और बच्चा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सर यहाँ क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है? एडमिशन का प्रोसेस हर जगह दो होते हैं, हमारे यहाँ भी दो हैं। पहला काउंसलिंग के माध्यम से, जो सरकार की काउंसलिंग का एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो काउंसलिंग करता है। उसके बाद जो मैनेजमेंट कोटा और उसके अलावा जो काउंसलिंग से सीटें बच जाती हैं उन पर हमें सीधे प्रवेश करने के लिए यूनिवर्सिटी आदेश करती है और उस पर हमें एडमिशन लेने के लिए अनुमति प्रदान करती है, जिससे हम डायरेक्ट एडमिशन यानी सीधा प्रवेश हम बच्चों का कर लेते हैं। सर उसके अतिरिक्त क्या ऐसी कोई योजना है क्या हमारे संस्थान में जो बच्चों के लिए चलाई जाती हो? हमारे यहाँ संस्थान में योजनाएं 3-4 तरह की और है जो बच्चों के बेनिफिशियल है। पहली तो ये कि जो हम लोगों के यहाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास करता है और वो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक या फार्मा या बाकी अन्य कोर्सों में अपना प्रवेशित करने के लिए यहाँ पर आवेदन करता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग के विषय में, पॉलिटेक्निक के विषय में या फिर फार्मा के विषय में अभी वो जानकार नहीं है।
इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम बच्चे का जैसे ही रजिस्ट्रेशन अपना कराता है, रजिस्ट्रेशन और अभी प्रोसेस जो एडमिशन का होगा, जो यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन को पूर्ण करने के उपरांत क्लासेज चालू करने की जब अनुमति देती है उसमें लगभग 2 से 2.5 महीने का समय होता है। तो हम इस दौरान सबसे पहले अपने यहाँ बच्चों की आधार को यानी बेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हम बेस की क्लासेस का संचालित करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ताकि बच्चा उन सब्जेक्ट्स में, उन विषयों में, उन निधाओं में अच्छी तरह से जानकार हो जाए जिसमें उसको आगे चलकर शिक्षा ग्रहण करनी है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ व्यवस्थाओं में बच्चे से रजिस्ट्रेशन का, एडमिशन का, लैब का, वर्कशॉप का और बुक्स का, इस तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये सभी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि सारे बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का, उनके पेरेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का आर्थिक भार न पड़ सके। धन्यवाद सर। सर यदि और कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, अपने 2 शब्द रखना चाहते हो तो आप अपने दर्शकों के सामने जरूर रखें। किसी भी संस्थान का जो सबसे मजबूत आधार होता है वो उसका शिक्षण संस्थान का जो सबसे बड़ा मजबूत आधार होता है वो वहाँ की शिक्षण व्यवस्था है, और शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ प्रैक्टिकल की व्यवस्थाएं, यानी लैब की व्यवस्थाएं, ये 2 ही आधार स्तंभ होते हैं। बहुतों को हमने सुना है कि अरे बहुत बड़ा कॉलेज है, 400 एकड़ में है, कोई 300 एकड़ में है। तो 400 एकड़ में है या 300 एकड़ में है, वो जो इतने बड़े बड़े कॉलेज या इतनी बड़ी कॉलेज की ज़मीन है वो बच्चे के नाम बैनामा नहीं की जाती है, वो बच्चे के नाम रजिस्ट्री थोड़ी ना होती है। बच्चों को वहाँ शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त करना है, प्रैक्टिकल गेन करना है, इसके लिए अच्छे टीचर्स की व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छे प्रैक्टिकल्स के लैब की व्यवस्था होनी चाहिए। जो बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को आपको उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, और यही हमारा मोटिव है कि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स, अनुभवी टीचर्स के माध्यम से हम आपको शिक्षण प्रदान करें और आपको प्रैक्टिकल कराएं, ताकि आप फ्यूचर में जब अपनी शिक्षण पूर्ण करने के उपरांत जब कंपनी में जॉब करने के लिए प्लेसमेंट जब संस्थान से ही आपको मिले तो आप बेहतर प्रेजेंट कर सकें और आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले और आप उन्नत के चरम शिखर पर पहुँचें। ये हमारी शुभकामनाएँ भी हैं और यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद सर। सर क्या संस्थान का सर कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिससे बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके? क्योंकि उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा व्यक्तिगत नंबर आप नोट कर लें, और कभी भी आप बात करना चाहें, किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं, किसी भी तरह की क्योरी आपके मन में है, संस्थान के प्रति कोई और भी चीज़ आपको समझनी है, फीस के विषय में, कोर्स के विषय में, कोर्स के ड्यूरेशन के विषय में, सारी चीज़ों की जानकारी के लिए मैं आपको तत्पर रहूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, 2 मेरे मोबाइल नंबर हैं, मैंने दोनों व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ, इसमें आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 9554559900, फिर से एक बार पुनः 9554559900, और दूसरा मेरा मोबाइल नंबर है 9839698962181 जी 21881, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी वास्ता कर सकते हैं। दीपक अग्रवाल आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उस जगह पे हम लोगों का एडमिशन सेल है, एट द सेम टाइम यहाँ पे ये वाला स्टेयर मैंने दिखाया था आप लोगों की, ये सेंट्रल लाइब्रेरी जाने के लिए है, और यहाँ पे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट एक बना के रखा गया बुद्धा प्लेसमेंट सेल। बुद्धा प्लेसमेंट सेल में ही कहीं ना कहीं स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अपने सचिदानंद सर से मुलाकात करवाऊँ। सर आर यू फ्री? हाय सर। सर कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछने हैं। सर आपका बेसिकली स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सर इसमें होता क्या है? सर हमारे स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम सबसे पहले जब स्टूडेंट आता है तो उसको एक हेलो बुक प्रोवाइड करते हैं, जो उसके डिसिप्लिन का एक रूल बुक होता है जो विद इन कैंपस होता है। फिर हम स्टूडेंट्स को इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू अपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में जो यहाँ पर वो सफ़र करेगा हमारे BGIE में, उसे वो उन डिपार्टमेंट्स का उपयोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे कर सकता है। लाइक हमारे पास रिसर्च है, प्लेसमेंट्स हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर उसमें हम स्टूडेंट्स को ये इक्विप करते हैं कि वो अपनी बात आके रख सकें, उसके लिए हम सैटरडे एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताते हैं।